2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के बदले राजनीति मौसम का पहला असर दिख गया है और ये असर है सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव के लिए नया बिल लाई लोकसभा में। रंगला पंजाब जे बनाउणा उहदे वास्ते सेहतमंद पंजाब पहलां चाहिए। 96% लोग जिहड़े ने ओह महल्ला क्लीनिक चों ठीक होके घरे वापस चले जांदे ने। सरकारी हस्पतालां ते बर्डन बहुत घट गया। मोहल्ला क्लीनिक जिहड़ा बनिया होया उहदी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, उत्थे सब तरह दीआं फैसिलिटीज दित्तीआं होईआं सरकार वल्लों। 2 हफ्ते तो खंघ ने बहुत परेशान कराया था जी। मैं पहला बार प्राइवेट दवाई लैंदा रहा, फिर इत्थे आके लती जी, टेस्ट फ्री होया, इत्थों मैं ठीक हो गया, हुण मैं ठीक हाँ बिल्कुल। शानदार मोहल्ला क्लीनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर से ऐड कर देंगे ने, जिते दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबों का भला करता। पंजाबी च कहा जाता है बाकी के काम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सहु चुकी तो पहले ही साडा विजन येगा कि पंजाब दे विच हेल्थ टॉप क्लास का इलाज हो। सो एक मैडिकल हब के रूप दे विच असी सोचा और मैं कोई सहन नहीं कर रहा थोड़े ते, मेरा फर्ज है जी। सरकार को बहुमत का कोई संकट नहीं, लेकिन हुआ ये कि सरकार ने ही कदम पीछे खींच ली। सरकार ने राज्यसभा से बिल वापस ले लिया है, लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बाद सहमत हो गए कि और ज्यादा चर्चा के लिए बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ही प्रस्ताव रखा और स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में सरकार की मानकर जेपीसी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष ने पहली बार सरकार से किसी बिल का विरोध किया है या फिर किया था। सरकार ने कहा कभी विपक्ष के विरोध की परवाह नहीं की, सरकार का डर मजबूत विपक्ष नहीं था, सरकार का संकट अंदर से था, ऊपर ऊपर तो सारे सहयोगियों ने बिल का समर्थन किया लेकिन अंदर से सरकार को कुछ और ही सलाह दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की अगर माने तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक समर्थन दे रहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी और इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी ने सरकार से कहा कि वक्फ बोर्ड पर जल्दबाजी मत करिए और चर्चा करिए। बिल पर भाषण देते हुए टीडीपी का पक्ष रख रहे सांसद जेएम हरेश बालयोगी ने बिल का विरोध भी नहीं किया, बस ये मांग कर दी कि बिल ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इस बिल पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, जेपीसी के पास भेजना चाहिए और इसके बाद सरकार ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। जीएम हरीश बाल योगी ने क्या कुछ कहा सदन में वो बयान सुनिए। थैंक यू स्पीकर सर, वी अप्रिशिएट ऑफ द कंसर्न विद व्हिच द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस बिल। प्रॉपर्टीज एंड लैंड्स फॉर रिलीजियस पर्पस हैव बीन डोनेटेड इन एवरी रिलीजन। The purpose of the donors need to be protected. Sir, Speaker sir, I would request through you that please allow me to speak. Please let me, I have heard all of your opinions. आप तो बोलें. Sir, the purpose of the donors need to be protected. But when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. मुसलमानों की संपत्ति से जुड़े वक्फ बोर्ड बिल पर अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तब गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बैठे थे। उन्हें अखिलेश यादव की आपत्ति बुरी लगी तो उन्होंने कड़ा विरोध भी जताया। ऐसा लगता तो है कि बिल पास कराया जाना चाहिए था
लेकिन 16 सांसदों के साथ समर्थन दे रही टीडीपी के सलाह में छुपा निर्देश समझना मजबूरी हो गया। एलजेपी के सांसद शांभवी चौधरी ने बिल का समर्थन भी नहीं किया। उन्होंने भी बयान दे दिया कि बिल को लेकर गोल मटोल बयान पेश किया और क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए। देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल इस अमेंडमेंट बिल के समर्थन में, क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक है रामविलास पासवान जी, वो शुरू से ही अल्पसंख्यक वर्ग की बिहार प्रदेश में एक बुलंद आवाज थे। 2004 में उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। तो 2004 में जब लोग इसकी बात चर्चा भी नहीं कर रहे थे तब उन्होंने ये बात उठाई थी। तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा रहता है। और आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो 1995 के एक्ट को अमेंडमेंट, जो उसके एक्ट के प्रोविजन में अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में है। पर हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पे वाइडर कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर ये बिल कमेटी के पास जाती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। संसद में एक और खेला हुआ, खेला ये कि 10 साल से बिन मांगे बिना शर्त आंख मूंद कर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी के लोकसभा में 4 सांसद हैं। एक सांसद मिथुन रेड्डी ने बिल का विरोध करके सरकार को झटका दे दिया। लोकसभा में विरोध मतलब राज्यसभा में और ज्यादा संकट, जहां एनडीए को बहुमत नहीं है। लोकसभा में तो एनडीए के पास बहुमत भी था, फिर भी जेपीसी को भेज दिया गया। मोदी की तीनों सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद में कोई बिल पेश हुआ, पास नहीं हुआ, बल्कि जेपीसी को भेज दिया गया। सरकार ही अपने बिल को जेपीसी में भेजने पर मान भी गई। वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन और विरोध में संसद में जमकर आवाज भी उठी। कांग्रेस, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी सबने एक सुर में विरोध किया। फिर भी सरकार चाहती तो इत्मीनान से लोकसभा से बिल पास करा सकती थी, लेकिन सरकार ने कोई रिस्क लेने का फैसला नहीं किया और न ही रिस्क लिया। ये 2024 के चुनाव के बाद बैसाखी वाली सरकारी है जो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ये विपक्ष का भी आरोप रहा है और सीधे तौर पर अब इसका असर देखने को भी मिल रहा है। अब सवाल ये कि आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कुछ नया होगा, जेपीसी की जो गठन की गई, ये जेपीसी कब तक रिपोर्ट फाइल करती है, ये कितने महीने लगेंगे, साल लगेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जेपीसी के गठन कर वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।